हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्दी डिशेस। आज हम बनाते हैं कुछ जन्माष्टमी स्पेशल। जन्माष्टमी में आपको पता है कि कान्हा जी को भोग लगाया जाता है मेवा पाक से। वो बहुत आसान है बनाना। जो रेसिपी आज मैं बताऊंगी, आप उसे फटाफट से बना लेंगे, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप मेरी और भी हेल्दी रेसिपी देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दिए हैं, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं और आई बटन में भी देख सकते हैं। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं कुछ एक खरबूजे के बीज, थोड़े से मैंने काजू लिए हैं और बादाम, थोड़ा सा ये गोंद लिया है और किशमिश ली है, और ये मैंने लिए हैं छुआरे। छुआरे को मैंने 4-5 घंटे के लिए पानी में डाल के रख दिया था, ये अच्छे से फूल चुके हैं और मैंने इनकी गुठली निकाल के इनको पीसेस में कट कर लिया है। और ये लिया है ग्रेटेड नारियल, ये सूखा नारियल है। और थोड़ी सी ली है मैंने इलायची, इलायची का पाउडर बना लिया है। चलिए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई ले ली है, गैस पे कढ़ाई रख ली है। अब हम इसमें डालेंगे घी। इसमें हमें घी थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें इसमें फ्राई करनी है। ये मैंने एक कटोरी से कम थोड़ा सा घी डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी ये गोंद, इसको हम चलाते हुए भूनेंगे। इसको आपको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है क्योंकि ये फिर अंदर से कच्चा रह जाता है। ये देखिए काफ़ी फूल चुका है और ब्राउन भी हो चुका है, इसका मतलब ये भुन गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से ये बादाम, इनको भी थोड़ा थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं, और ये काजू। काजू मैंने ये पीसेस वाले लिए हैं, आप नॉर्मल लेना चाहें बड़ा काजू वो भी ले सकते हैं। अब इसको चलाते हुए थोड़ा सा भूनेंगे। हल्के से क्रंची हो जाएंगे। ये देखिए इनका कलर भी चेंज हो चुका है और भुन भी चुके हैं अच्छे से। अब हम ये बादाम और काजू भी प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए रोस्ट होने के बाद इनका कलर ऐसा हो गया है। उसके बाद हम ये डालेंगे इसमें खरबूजे के बीज। इसको भी चलाते हुए भूनेंगे। इसको आप आराम से भूनें, ध्यान से, थोड़ा ये उछलते हैं थोड़ा सा। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें नारियल का बुरादा, ये मैंने ग्रेट करके रखा हुआ था नारियल, वो इसमें डाल देंगे। इसको चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी ये किशमिश। इन सारी चीजों को हम फ्राई करेंगे चलाते हुए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है इसका कलर। अब मैं इसमें डालूंगी ये छुआरे। ये देखिए इसमें मिलाते हुए इसको अच्छे से भूनेंगे लगभग 2 या 3 मिनट के करीब। हमारे हो चुके हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, जिस टाइम आप बना रहे हैं और जिस टाइम आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। ये देखिए सारा भुन चुका है, मैंने निकाल लिया है सारी चीजें।
अब ये जो कॉर्न मैंने भून के रखा था इसको मैं थोड़ा सा, इसको हम क्रशर से या तो क्रश कर लेंगे बारीक टुकड़ों में, या फिर हम इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड चाहिए तो ज़्यादा कर लीजिए, अगर बड़े पीसेज में चाहिए तो बड़े पीसेज में कर लीजिए। ये मैंने गोंद कर लिया है और ये बादाम और काजू भी कर लिए हैं, ये देखिए क्रश हो चुके हैं। उसके बाद मैं उसी कढ़ाई में पानी डालूंगी एक कटोरी के करीब। पानी डालने के बाद हम इसमें दो कटोरी चीनी डालेंगे, हमें इसकी चाशनी बनानी है। चाशनी बनाने के लिए हमेशा जितनी चीनी लेते हैं उसका आधा पानी लिया जाता है। अब इसको चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे चीनी और पानी को, और चीनी को मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, चीनी मेल्ट हो रही है। हम इसको चेक करेंगे, हमें ये एक तार की चाशनी बनानी है इसकी। ये देखिए हमें इसकी ऐसे एक तार की चाशनी बनानी है, इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं कुक होने देना है। अब ये सारी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। अब इसको चाशनी में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको 10 मिनट के लिए कुक होने देते हैं ताकि सारी चीज़ों में चाशनी अच्छे से मिक्स हो जाए और ये जमने वाली कंसिस्टेंसी में आ जाए। तब तक हम अपनी प्लेट तैयार कर लेते हैं। ये देखिए 10 मिनट मैंने चलाते हुए सारी चीज़ों को अच्छे से पकाया है, अब ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे, जो प्लेट हमने ग्रीस करके रखी हुई है, तो चलिए निकाल लेते हैं इसको। देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है इसको एक जैसा, 5 मिनट के लिए सेट होने देते हैं इसको। और इसके ऊपर से हम कट लगा लेते हैं, अभी थोड़ा सा गर्म है तो गर्म में ही कट लगा लेंगे ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। कट लगाने के बाद में हम इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने देते हैं। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है, कट हमने पहले से लगा रखे थे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको निकालने में, ये आसानी से निकल आएगी। और अगर आपकी ये पाक ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो आप इसको थोड़ा सा प्लेट को गैस पे नीचे से गर्म कर सकते हैं, वो आसानी से निकल आएगा। ये देखिए जन्माष्टमी स्पेशल पाक बनके रेडी हो गया है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है इसमें, आसानी से बनके तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोगों ने पाक तो पहले बनाया ही होगा, लेकिन आप इस तरीके से ट्राई करें, झटपट से बनके तैयार हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और टेस्टी भी बहुत बनेगा। आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी रेसिपी देखते रहिए। हेल्दी खाइए और हेल्दी रहिए।